हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी आंवले की लौंजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे आंवले की चटनी भी कह सकते हैं, आंवले का अचार भी कह सकते हैं, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं आंवले की लौंजी। इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम आंवले लिए हैं। ये देखिए, मीडियम साइज़ के आंवले लिए हैं और मैंने इसे एक बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। और सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे। तो आंवले को उबालने के लिए गैस पर मैंने बर्तन रख दिया है और इसमें हम डाल देंगे पानी। तो 3 ग्लास के लगभग हम इसमें पानी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं 3 ग्लास पानी मैंने पैन में डाल दिया है और अब इसे हम हाई फ्लेम पर गरम होने देंगे। तो पानी गरम हो चुका है और इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे आंवले। तो ये देखिए दोस्तों, सभी आंवले मैंने पैन में डाल दिए हैं और अब इसे हम हाई फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे और इसे हम थोड़ा सा ढक देंगे। ये देखिए इस तरह से, जिससे कि आंवले जल्दी से बॉईल हो जाएंगे। तो लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आंवले अच्छे से बॉईल हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और आंवले को अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। आंवले यहाँ पर हल्के से ठंडे हो चुके हैं और अब हम इसकी कलियाँ भी अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसके बीच की वाली जो घुटली है इसे हम निकाल देंगे। और आप देख सकते हैं इस तरह से हम आंवले की कलियों को अलग अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सभी आंवले की कलियों को इस तरह से मैंने अलग अलग कर लिया है और इसके बीच वाला जो बीज है इसे हटा दिया है। और अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। तो 1 चम्मच के लगभग हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों के तेल में आंवले की लौंजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अब इसे हम गरम होने देंगे। तो यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है और अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच सौंफ। इसे डाल देंगे कढ़ाई में, साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच मेथी दाना, 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी, 2 पिंच हींग। और अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसे भून लेंगे 3 से 4 सेकंड के लिए। और जैसे ही मसाले यहाँ पर हल्के से भून जाएंगे, इसी समय पर हम इसमें डाल देंगे आंवले की कलियाँ। तो ये आंवले की कलियों को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब इसे हम सभी खड़े मसालों के साथ में इस तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। तो मैंने इसे 1 मिनट के लिए भून लिया है, ये देखिए। और गैस की फ्लेम को हम इस समय पर बिल्कुल मीडियम रखेंगे। साथ ही इसमें हम मसाले भी मिला देंगे। तो 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे कढ़ाई में। 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें हम मिला देंगे 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा, जिसे मैंने हल्का दरदरा सा कूट लिया है, 1/2 छोटी चम्मच सफ़ेद नमक, साथ ही इसमें मिला देंगे 1/2 छोटी चम्मच काला नमक। तो सभी मसाले हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं और मसालों को अब हम आंवलों के साथ में मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं आंवलों को मैंने मसालों के साथ में मिक्स कर लिया है और इसे 1 मिनट के लिए मसालों के साथ में हम पकने देंगे। तो इसे पकाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे मीठे के लिए गुड़। तो 150 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है, इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए हम मेल्ट होने देंगे। दोस्तों, इसमें हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, बस हमें इसी तरह से इसे पकाते रहना है। तो ये देखिए, गुड़ यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गया है और अब हम आंवलों को गुड़ के साथ में 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे कि आंवले हल्के हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो आंवलों को मैंने यहाँ पर गुड़ के साथ में 3 से 4 मिनट के लिए और पका लिया है और ये हमारी टेस्टी आंवले की लौंजी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ी पतली है लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी आंवले की लौंजी। आप इसे 2 दिन के बाद में एंजॉय कर सकते हैं। 2 दिनों के अंदर इसके जो सौंफ के दाने हैं, मेथी दाना है, अच्छे से ये फूल जाएंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो आप इसे रोटी पूरी पराठे के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप इसे कांच के जार में भर कर रख सकते हैं लगभग 6 महीने के लिए, फ्रिज में बिल्कुल भी ये खराब नहीं होती है। तो फिर आप भी इसे ज़रूर बनाइए और मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।